उसकी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, और वो तकलीफ़ थी जिससे मैं इस प्रॉब्लम में आई। ये आप जिसका सवाल कर रही हैं कि वो जो इंसिडेंट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि अब जैसे मैंने कहा कि हम नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद इस इलाके से में रहते थे। बहुत अच्छा इलाका था, अच्छे ख़ानदानी मिडिल क्लास लोग रहते थे, हम जानते थे बचपन से इस इलाके को। लेकिन जो मेरी शूट्स हैं हम लोग की, वो सारी डिफेंस और क्लिफ्टन में होती हैं, और कम्यूट जो है मेरी वो डेढ़ डेढ़ घंटे की हो चुकी थी। बिल्कुल हमारा अपना घर था उधर, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, उस वक्त पापा हयात थे, मैंने कन्विंस किया कि भाई आप लोगों को मूव होना पड़ेगा। मैं भी और बहन जो है वो उसका बिजनेस भी है, और हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिफेंस में ही थी। सैलॉन्स भी हैं और डिज़ाइनर्स भी हैं और मॉल भी है, सब उधर ही है, हम बस रहते उधर थे। तो हमने कन्विंस किया कि प्लीज़, नहीं माने घर वाले कि नहीं हमारा घर है, हम कैसे रेंट पे जाके रहेंगे। मैंने बोला नहीं नहीं अमेरिका से आई थी, 1 साल हुआ था, मैंने कहा मैं करूँगी, मैं फिगर आउट करूँगी। तो या सारे लोग बुरे होते हैं, लेकिन एक है प्रेसिडेंस कि जो ये जो फ्यूडलिज्म है और जो ये पावरफुल लोग हैं, इनसे हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग दूर ही रहें तो बेहतर है। मुझे नहीं पता थी ये बात, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है वडेरा, मुझे नहीं पता था क्या होता है फ्यूडलिज्म। उसने मुझे एक ऐसे बंदे से कनेक्ट किया कि उसका घर था, घर पूरा टूटा हुआ था, टूटा फूटा, ना सिंक काम करे ना कुछ काम करे, लेकिन मैं डेस्परेट थी, मेरी शूट्स चल रही थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं आके अलग से घर देखूँ। तो मैंने कहा कि बस ठीक है, डन करें, मैं आपको, आप इस घर को सही कराएंगे? उन्होंने कहा ठीक है, इसी इसी तरह होता। उन्होंने कहा आप हमें एडवांस दें, हम सही करा देंगे घर को। ये लंबा चेक था, लाखों रुपए का। अब हम एक्टर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम अच्छे पैसे कमाते हैं, मैं बाहर से भी काम करके आई थी, मैंने अपने बैंक अकाउंट से उसके सामने ये चीज़ें, आप मुझे, मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ क्या क्या किया तुमने, अपने ही नाम से एक चेक लिखा। उसको समझ आ गया कि आई हैड मनी, उसको समझ आ गया अकेली लड़की आ रही है ना, कोई आगे। और ये भी मुझे हमारी सोसाइटी की बहुत बुरी बात लगती है कि लड़का नहीं है तो वल्नरेबल है लड़की, भाई नहीं है, बाप नहीं है तो वल्नरेबल है लड़की। और ये मैंने बचपन से सुनी है ये बात, भाई नहीं है क्या करोगी। उसको मैंने बहुत फाइट करने की कोशिश की है हमेशा, और इसी वजह से आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ कि नहीं मैं बन के दिखाऊंगी बेटा, मैं करके दिखाऊंगी जो सारे बेटे करते हैं, उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगी मैं। और मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा, लेकिन सोसाइटी का आप क्या कर सकते हैं। एनीवे तो मैंने उसे चेक लिखा, और जब हम सब फाइनलाइज हो गया, वो साहब, उनको इतना बड़ा चेक मिला, वो लेके भाग गए दुबई, घर को कुछ सही नहीं कराया। हमने इधर अपना घर रेंट पे चढ़ाया जो हम ओन करते थे, और उस टाइम पे मेरे पापा की डेथ हो गई जब हमें मूव होना था। तो मैं घर आके चेक ही नहीं कर पाई कि उसने घर सही कराया नहीं कराया, जो इतने सारे लाखों रुपए मैंने उसे एडवांस में दिए थे पूरे साल के, वो तो घर वैसे ही टूटा का टूटा है, बाथरूम नहीं काम कर रहे, तो लाइटें नहीं काम कर रही, और हम टूटे फूटे, मैं, मेरी अम्मी, मेरी बहन, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका था, हमारे पापा जा चुके थे, हम जो है उस घर में आए, और वहाँ पे देर वॉज नथिंग, लाइक एवरी थिंग वॉज ब्रोकन, एंड दैट इज़ वन आई वॉज चीटेड, आई रियलाइज दैट आई वॉज चीटेड रियली बैडली बाय समवन जिसने मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाया था। एनीवे, सो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सबने कहा कि देख, अब मोहल्ले वालों ने बताया कि आप लोगों ने क्या किया है। उन्होंने देखा पहली बार एक घर, इस घर में जहाँ पे बहुत गलत एक्टिविटीज़ होती थी, तीन अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग आए हैं, सब परेशान है कि क्या हो गया, तीन लड़कियाँ, तीन औरतें इस घर में क्या कर रही हैं। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि दबे छुपे अल्फाजों में कहा कि आपने इस घर में कुरान खानी करा लीजिएगा, ये घर जो है ना इसमें है कुछ मसले हैं, और हम, हमारा दिल बैठा जाए कि ये क्या किया। सरे फहरिस्त उस बंदे का नाम आता था बिल्डिंग की डिफॉल्टर्स की लिस्ट में भी, वही देख लेती मैं, वो भी नहीं देखा, लेकिन ये एजेंट का काम है। मैं क्योंकि बाहर से आई थी, मुझे, मैं बिलीव करती थी कि सिस्टम है, आप एजेंट के पास जाते हैं, आप उसे इतना बड़ा कमीशन देते हैं, वो आपको एक अच्छी चीज़ ला के देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब सिर्फ बैठे हुए हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा, मैं सब नहीं कहूँगी, मेजोरिटी लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जब आप कमज़ोर हैं तो वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के अपना मुफाद ढूंढेंगे उसमें।